बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका होस्ट वारिस तस्लीम रज़ा आज के कैलेंडर के साथ। आज हम कैलेंडर के साथ हज़रत अली के कुछ इक़वाल जो हैं इंशाल्लाह उनके बारे में देखेंगे। प्यारी प्यारी बातें हज़रत अली की आज जानेंगे और सीखेंगे। आज के कैलेंडर के मुताबिक 24 ज़िलहज 15 अगस्त 31 सावन बरोज़ हफ्ते का दिन है। आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे इतनी ही नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। तो बड़ी प्यारी बात हज़रत अली ने जो बात फरमा दी। हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल होगी। कितनी खूबसूरत बात फरमाई है मौला अली ने। आए हम हज़रत अली के दूसरे तीसरे कौल की तरफ। अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि वक्त नमाज है, तो नमाज की नीयत कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उससे अगले की तरफ पढ़ते हैं। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ये भी कितना खूबसूरत कौल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होगा। तो अगले कौल की तरफ हम बढ़ते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अगर इंसान को तकब्बर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए, तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पे बैठा करे। सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है मौला अली ने फरमाई। फरमाने अली, रिज़्क के पीछे अपना अमान मत खराब करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। मुश्किल वक़्त आ जाए तो किसी का आसान ना लो, क्योंकि मुश्किल वक़्त चार दिन का और आसान ज़िंदगी भर का होता है। ये भी हज़रत अली का एक खूबसूरत कौल है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया करें, ताकि हम आपके लिए इससे अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो बना सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो मंथ शुरू हो रहा है मुहर्रम के हवाले से, इंशाल्लाह हम इस्लामी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल में आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।